आधा कप विनेगर, वाइट विनेगर, और इसको तकरीबन एक घंटे के लिए मैं रख देता हूँ, मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। चांपों के लिए मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए 2 टेबलस्पून मैंने लिए नमक और 1.5 टेबलस्पून मैंने लिए मिर्च का पाउडर और तकरीबन आधा चम्मच मैं ले रहा हूँ हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैं ले रहा हूँ अजवाइन का और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रहा हूँ अचार गोश्त मसाला और तकरीबन 1 चम्मच इसमें डाल रहा हूँ मैं चाट मसाला। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी विनेगर डालता हूँ और इसको मिक्स कर लेता हूँ। आप विनेगर की जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो नींबू जो है हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, विनेगर तो ईजिली मिल जाता है, तो विनेगर आप डालें। ये मैरिनेशन तैयार हो गई है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है, हल्की सी पतली हो ताकि वो उसके ऊपर हम लोग लगा सकें अच्छी तरह। जो जी हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई। ये चम्पे मैंने पानी से बाहर निकाल ली हैं, अभी इनको ये ड्राई हो गई हैं, अभी इसको मैं हल्के हल्के कट लगाऊंगा ऐसे, देखें हल्के हल्के इसको कट लगाने हैं, ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने, लगा के तो रखते हैं। चम्पे काफ़ी बड़ी हैं इसलिए इसकी चम्पे बड़ी होंगी तो इसमें ज़्यादा गोश्त होगा तो ये फ्राई अच्छी होगी और इसके बाद स्टीम भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप छोटी वाली चम्पे लेंगे उसमें गोश्त ही बहुत कम होता है। ये देखिए ऐसे काफ़ी सारे चम्पों को लगा के उसके बाद हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया, अभी इसके अंदर मैं ये देखें चम्पे रखना है। चम्पों को आपने 40% फ्राई करना है, बाकी हम लोग स्टीम करेंगे। बाकी अच्छे होते हैं 2 मिनट, अभी इसकी दूसरी साइड फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम आपने रखना है मीडियम फ्लेम रखना है ताकि ये पानी ना छोड़ दें, अगर लो फ्लेम रखेंगे तो ये पानी छोड़ देते हैं, उसके बाद पानी से ड्राई नहीं होता इसका। फिर हमारी चम्पे फ्राई हो चुकी है, इनको मैं निकाल लेता हूँ और बाकी भी सारी चीज़ तरह फ्राई कर लेता हूँ। ये देखिए जी हमारी चाँपें फ्राई हो चुकी हैं, अभी इसको मैरिनेट करता हूँ मैं। मैरिनेशन जो मैंने बनाई थी मैरिनेशन, इसको भी लगा देते हैं अच्छी तरह, अंदर तक लगाएं। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त मैरिनेशन हो रही है और 50% तो क्योंकि 30-40% अभी पक गई हैं, बाकी की ओवन के अंदर जाके पक जाएंगे। आप इसको ओवन के अंदर भी बना सकते हैं, बड़ा देखचा देखकर उसके अंदर स्टैंड रख के तो उसके अंदर भी आप बना सकते हैं। ये देखिए जी हमारी मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है, ओवन की ट्रे मैंने ली है, उसके अंदर मैंने एल्यूमिनियम की फॉइल लगा दिया पूरा, ठीक है जी। उसके अंदर हम लोग ये जो हमारी चम्पे हैं इसके अंदर रखेंगे, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिर्चें नहीं है मैंने वो डाल रहा हूँ, इससे बहुत अच्छी वो खुशबू बड़ी अच्छी आएगी और नींबू डाल रहा हूँ मैं कुछ, इससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये आप अगर नहीं पसंद करते ज़्यादा खट्टा तो ना डालें, इससे थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा।
इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको मैं रोजमेरी डाल रहा हूँ, रोजमेरी के पत्ते हैं मेरे पास, ये मैंने ऊपर डाल दिए। तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाल रहा, जो फ्राई किया है वही ऑयल इसके अंदर है, और अभी इसमें मज़ीद ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी देखिए, इसको मैं ऐसे बंद करके तो ओवन के अंदर रख लेता हूँ तकरीबन तो 1 घंटे के लिए, कि जो ये स्टैम्प्स हैं इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त गल जाएंगे, स्टीम हो जाएंगे, और इसके बाद हम लोग सर्व करेंगे। एक बार ऐसे भी नहीं कहना, ताकि अच्छी तरह ये टाइट हो जाए, इसमें से स्टीम बाहर ना निकले, क्योंकि हम लोगों स्टीम करनी है, तो स्टीम अंदर रहेगी तो फिर स्टीम हो जाएंगे। एक बार ऐसे भी नहीं कहना, ताकि अच्छी तरह ये टाइट हो जाए, इसमें से स्टीम बाहर ना निकले, क्योंकि हम लोगों स्टीम करनी है, तो स्टीम अंदर रहेगी तो फिर स्टीम होगी। ये देखिए जी, अभी मैं इसको लो फ्लेम के ऊपर ओवन के अंदर रख रहा हूँ 1 घंटे के लिए। ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त बनी है ये चाप हमारी। आप भी घर पर बनाएं, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, ज़बरदस्त गली होगी। ये देखें, हाथ से टूट रही है, ये देखें गर्म है ना अभी तो। ये देखें, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।